1 hour बाद जो डॉक्टर होता है वो वहाँ आ भी जाता है और फिर ना जूंगी को ट्रीट करता है और ना जूंगी को मेडिसिन देता है और फिर ना जो यूंगी होता है वो ना अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और फिर ना वो उनकी रोक तरफ देता है और कहता है कि ना आपको इनका ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से ना चलते जाते हैं और फिर ना जो जिमिन होता है वो कहता है कि ना मुझे नहीं यूंगी को संभाल के रखना होगा वरना फादर इसको छोड़ेंगे नहीं। वैसे बोलते हैं और फिर ना जो जिनको होता है वो कहते हैं कि ना जो करना है जल्दी करो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर ज़्यादा दिन तक छोड़ पाएंगे इसको, इसकी पहले कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और आगे तुम्हारे फादर उसको बीट इस ना करें इतने मर्सीलेसली। वैसे बोलते हैं तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहता है हाँ। और हम देखते हैं कि ना 1 month बाद का सीन जहाँ पे जो ना मोस्ट ऑफ द टाइम यूंगी को बचा लेता था बट कभी कभार वो काफ़ी ज़्यादा ना उसकी मार पड़ भी जाती थी उसको ना जिमिन कौन यूंगी को मिस्टर पार्क से। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना जो मिस्टर पार्क होते हैं वो ना मिड नाइट का टाइम है और वो ना बहुत ज़्यादा ड्रंक होके आए हैं बिकॉज उनकी एक जो मीटिंग है ड्रग मीटिंग वो ना ड्रग डील वो ना कैंसिल हो गई और उससे ना उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए वो बाहर में ना ड्रिंक करता और इस टाइम वो बिल्कुल भी अपनी सेंसेस में नहीं है। और वो ना जैसे अपने रूम में आते तो ना उन्हीं के रूम में ना जो यूंगी होता वो उन्हीं के रूम में रहता था तो वहाँ पर ना वो सोया हुआ था क्योंकि उनका उसको मेडिसिन दी थी जिमिन ने ताकि वो सो सके। तो और ना जब जैसे मिस्टर पार्क उसको देखते तो उनकी आईज में ना लस्ट आ जाते बिकॉज वो इस टाइम एक ड्रंक पर्सन थे तो उनको नहीं समझ आते वो क्या करें क्या नहीं। तो वो ना वो यूंगी के पास जाते और उसको ना बिल्कुल ही ना हेड से उसको ना बिल्कुल ही पिन कर देते उसके हेड के ऊपर उसके हैंड्स को और उसको ना उसकी चिन को खराब करके उसको किस करने लगते और ना जैसे इस रफ एक्शन से ना यूंगी की आई सुपर ना जाती है और डर जाते और ना हटाने की कोशिश करते मिस्टर पार्क बट वो हटा नहीं पाता और जो यूंगी होते वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते बिकॉज जो मिस्टर पार्क थे उन्होंने ना जो टाई पहने हुई थी उन्होंने उसे यूंगी की ना हाथों को बांध देता और पाँव से ना अपनी बेल्ट से और जो यूंगी को ना वो ना क्लोज को ना आगे से उन्होंने बिल्कुल ही फ्रंट नेकेट कर दिया था और उसके चेस्ट पे किस कर रहे थे और वहाँ पे ना उसको स्कार्स नजर आ रहे थे यूंगी के बट क्योंकि वो ड्रंक पर्सन थे तो बिल्कुल भी वो नहीं करते केयर नहीं करते और उसको ना किस किए जा रहे होते हैं और फिर ना जो यूंगी होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और चिल्लाते चिल्लाते ना अचानक से ना जिमिन का नाम चिल्लाने लग जाता है और जैसे ही जो मिस्टर पार्क होते ये नाम सुनते कि ना वो किसी का नाम चिल्ला रहा है बिकॉज वो अभी अपने ना रियल माइंड में नहीं है तो उनका इतना आइडिया था कि उनका नाम नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो ना जूंगी के फेस पे जोर से स्लैप करते हैं और जो जिमिन था वो एक्चुअली गया था अपने मिशन के लिए गया था। तो ना वो ना कुछ टाइम बाद ना घर आता है तो जैसे घर में आता है तो उसको ना फुल मेंशन में ना यूंगी के चिल्लाने की वो सारी थे और ना उस टाइम पे जो जिमिन ने ना जिमिन का नाम चिल्लाना शुरू किया था शुगर ने तो ना जैसे वो सुनते तो फिर ना उसके हाथ पे करना होते फ़ौरन अंदर भाग के जाता है और देखते अपने फादर को जो कि ना यूंगी का ना रेप भी करें रेप करें उसके ना जो होते हैं पेंट को टाई कर रहे हैं तो ये देखे ना उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिमिन को और वो ना एक फ्लावर वास लेते हैं और फिर ना अपने ना फादर के सर पे मार देते हैं और तो फिर ना जिसे जो मिस्टर पार्क है तो वो ना वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाते हैं और जो यूंगी होता है वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में ना वहाँ लेटा होता है रो रहा होता तो जिमिन फ़ौरन उसको खोलता और कहते कि ना यूंगी यहाँ से चलो वो ये बोलते हैं उसका ना ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते बिकॉज यूंगी के अंदर बिल्कुल भी अपनी स्ट्रेंथ नहीं थी भागने की तो उसको उठा लेते और फिर ना वहाँ से ना लेना अपनी कार में बिठाते और उनका कार बहुत तेज ड्राइव करता है और उस टाइम में ना कॉल भी मिला देते और फिर ना बता देते कि ना वो यहाँ से जा रहा है। और अब हम देखते हैं कि ना 2 hours बाद का सीन जहाँ पे जो यूंगी है वो सो चुके हैं और उसके साथ ना जो उनकी कार के साथ ना 2 और कार्स भी चल रही हैं और तीनों ही कार्स बहुत ज़्यादा स्पीड में ना एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं बिकॉज ये फुल जिमिन का ना गैंग जा रहा है मतलब हमारे BTS मेंबर्स सारे तो जा रहे हैं। एक कार में ना नामजिन होप है और दूसरे कार में देखुक है और एक कार में हमारे यूनमिन तो इस तरह सारे जा रहे हैं। और फिर ना उसके बाद फिर ना वो एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं और सबने ना अपना गेटअप चेंज किया होता है जैसे किसी को पता ना चले और फिर ना अपने ना एक प्राइवेट जेट पर लेते हैं और फिर ना सब वहाँ से ना चले जाते हैं और ना वहाँ से ना दूसरे कंट्री के लिए चले जाते हैं वो और फिर आ जाते हैं चाइना में आते हैं वो और अपने फादर जिमिन ना यूंगी को ना अपने फादर से बचा के ले आया था बिकॉज उसको आइडिया था कि जो उसके फादर हैं सेकंड नंबर पे बट वो ना मोस्टली ना इस
कि नहीं है, इतने क्लेवर और इतने डेंजरस नहीं है, वो बस ना ग्रीडी है। तो उसको पता था कि उनका जो रोल है, उनका जितना भी वो चीज़ है ना, पावर जितना भी है, तो वो सिर्फ उनके ना खुद के ना उसमें कंट्री में है, किसी और कंट्री में नहीं। बट जो जिमी था वो काफ़ी ज़्यादा ना मर्सीलेस था, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मर्सीलेस था, बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस था, क्रूल था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेंजरस था। बट जो उसका गैंग था वो सारे बहुत इस तरह मुंझाने चाहते थे, बट वो सबसे ज़्यादा उनकी जो रियल साइड थी वो सिर्फ उनके लव वंस को पता थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, सॉफ्ट, क्यूट, चार्मिंग इस तरह की थी, फ्लर्टी। और वो बहुत ज़्यादा ना अपने पार्टनर से प्यार भी करते थे, या नामजिन की बॉयफ्रेंड से या देखू बॉयफ्रेंड से। और जो जे पता वो ये बोलते थे कि उसको सिंगल ही रहना है, उसको मिंगल होने का कोई शौक नहीं है। और यहाँ पे ना जो जिमिन था वो जैसे अपनी फीलिंग्स को रियलाइज कर चुका था, तो उसने अपने गैंग मेंबर्स को बता दिया था, बिकॉज वो उनके ना एक तरह से पेरेंट्स की तरह थे, वो ना बिल्कुल ही अपने ना गैंग मेंबर्स को ना अपनी फैमिली की तरह लेता था, तो हर बात उनसे शेयर करता था, बेस्ट फ्रेंड, फैमिली, ब्रदर्स इस तरह उनको ले जाता, तो वो ना फ़ौरन सबको बता भी देते। और फिर ना उसके बाद ना वो कहते कि ना हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, और उसके बाद फिर ना वो चाइना आ जाते हैं। और ना यहाँ और जो जिमी था वो ना उसके एशिया में, फुल एशिया में उसके ना जो थी सबका रोब था बड़ा, सब उससे बहुत ज़्यादा डरता था। और यहाँ पे अगर मिस्टर फार कुछ करने की कोशिश भी करें तो वो जिमिन से योगी को नहीं ले सकते, बट अगर वो तो होता साउथ कोरिया में होता तो जो मिस्टर फार होते वो जिमिन से ना योगी को ले लेते, बट इस टाइम वो नहीं ले सकते। और अब हम देखते हैं कि ना जो यूंगी होता है वो ना बिल्कुल अनकॉन्शियस हुआ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है, और फिर ना सो भी रहा था तो हल्की से स्नोरिंग कर रहा था। उसको इस तरह देखे ना वहाँ सब ना क्यूट स्माइल करते, बिकॉज जो यूंगी था एक तो उसकी एज छोटी थी, वो ना इस टाइम बिल्कुल एक क्यूट बेबी लग रहा था, तो सारे ना एक चक्कर करते। और जो यूंगी होता है वो ना बिल्कुल ही ना उसके लैप पे सोया हुआ था, यूंगी के और जो जिमिन के लैप पे सोया था, और जो जिमिन था उसके ना हेयर को ना स्ट्रोक कर रहा था। और अब हम देखते हैं कि जो योंगी होता है वो जो उनकी कार होती है वो कार जो होती है वो ना उनके मेंशन के आगे आगे रुकती है, जो चाइना में उनका मेंशन होता है, बिकॉज उनको ना मोस्टली ना हर उसमें कंट्री में जाना पड़ता था उनके मिशन के वजह से। तो यहाँ पे हर जिन कंट्रीज में उनका जो है पावर है, तो वहाँ पे उनके खुद के मेंशन, उनकी खुद की प्रॉपर्टी, हर चीज़ है अपनी, तो वहाँ पे ना वो आते हैं। और फिर ना जो जिमिन होता है वो ना योंगी को ना रॉयल स्टैंड उठा लेते हैं, उसको ना मिशन के अंदर लेके जाते हैं, तो वहाँ सब बहुत सारे सर्वेंट्स आते हैं और उनको बो करते हैं। जो जिमिन होता है वो हल्का सा सरहा मिलाता है, और फिर ना वहाँ से ना अपने रूम में चला जाता है योंगी को लेके।